दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं KGF चैप्टर 2 के 8 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। फिल्म को दोस्तों पूरा सप्ताह बीत चुका है और आज 8वां दिन बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म बिता रही है, यानी कि शुक्रवार को। फिल्म ने दोस्तों 7 दिन में बखूबी हिंदी में तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 5 दिन में 219 करोड़ करके 5 दिन में सबसे तेज़ी से 200 करोड़ करने का इसने लक्ष्य हासिल किया था। 6ठे दिन भी दोस्तों फिल्म ने अच्छी खासी कमाई करते हुए 243 करोड़ तक ये पहुंच गई थी। 7वें दिन भी दोस्तों फिल्म ने डबल डिजिट में ही कमाई की और 17 करोड़ का कलेक्शन किया और फिल्म की टोटल अर्निंग 7 दिन के अंदर हो गई दोस्तों 260 करोड़ रुपए, जो कि बहुत ही बड़ा आंकड़ा है और हिंदी का ये आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है केवल 7 दिन के अंदर। 8वें दिन दोस्तों इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन शानदार रहने वाला है और ये फिल्म डबल डिजिट में ही काम करने वाली है और वही 15-16 करोड़ का कलेक्शन, यानी कि 275 करोड़ रुपए का आंकड़ा महज 8 दिन के अंदर ये फिल्म क्रॉस कर जाएगी। और ये बात कर रहे हैं हम सिर्फ हिंदी बेल्ट की। अदर लैंग्वेज इंडिया की बात करें तो ये फिल्म वहाँ पर भी 220 करोड़ रुपए कमा चुकी है, यानी कि सिर्फ इंडिया में दोस्तों इस फिल्म ने कमा लिए हैं 8 दिन के अंदर 470 करोड़ रुपए। ये हम नेट कलेक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें टैक्स डिडक्ट हो चुका है। अगर इसके ग्रॉस प्रॉफिट का बात करें, ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो दोस्तों वो है 570 करोड़ रुपए, यानी कि और भी खतरनाक। वहीं दोस्तों ओवरसीज भी फिल्म ने काफ़ी कमाल का बिजनेस किया है और लगभग 250 करोड़ की कमाई वहाँ पर भी फिल्म की हो चुकी है, यानी कि 8 दिन का जो टोटल्स का ग्रॉस कलेक्शन है वो हो जाता है लगभग दोस्तों 125 करोड़ रुपए, यानी कि 975 करोड़ रुपए KGF अपने 8 दिन में वर्ल्ड वाइड कमा चुकी है, जो कि RRR को भी लगभग ये क्रॉस कर जाएगी आने वाले वीक्स में। RRR ने दोस्तों अभी तक वर्ल्ड वाइड जो ग्रॉस कलेक्शन किया है वो 1200 करोड़ रुपए का हो चुका है। तो क्या आपको लगता है दोस्तों KGF चैप्टर 2 उसको कितने दिन में क्रॉस करेगी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, देखो देखो यूट्यूब चैनल ताकि आपको आने वाली हर खबर यहाँ मिल जाए सबसे पहले।